नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेमोरल स्टोरी की एक स्टोरी। कबूतर के घोंसले आज तक किसी ने नहीं देखे, अगर देखे होंगे तो टूटे फूटे गंदे से। एक समय था जब कबूतर झाड़ियों में अंडे देता और वहां पे लोमड़ी आती अंडे खा जाती। अब इनको अपने बच्चों की अंडों की सुरक्षा का ध्यान रखना था, परेशान थे क्या करें। चिड़िया से पूछा, चिड़िया क्या करें? चिड़िया ने कहा, मेरी तरह पेड़ों पे घोंसला बनाओ, उसके बिना कोई चारा नहीं है, घोंसला वहीं सुरक्षित है। अब इन्होंने सोचा कि अब तो सच में यही घोंसला बनाना है तो बनाना पड़ेगा। ट्राई किया, तिनके चुने, घोंसला बनाने लगे। घोंसला बनाना नहीं आता था, लूज, कहीं बुनना नहीं आता, क्या करें। चिड़िया की मदद मांगी, चिड़िया को बोले हमें थोड़ा घोंसला बनाना भी सिखा दो, थोड़ा बनवा भी दो। चिड़िया आई, उसने देखा ये कैसे बन रहा है। उसने अपने उनका एक एक तिनका सेट किया, टाइट से किया, जैसे बुनाई करते हैं वैसे सेट किया ताकि टाइट घोंसला बने। इन्होंने देखा, इन्होंने कहा, अरे चिड़िया तुम जाओ, अब हम समझ गए कैसे बनाना है, इतना तो हम भी कर सकते हैं, जो तुम कर रही हो वही तो हम कर रहे थे। चिड़िया चली गई। अब इनका फिर से शुरू हो गया, फिर से बुनाई नहीं आ रही, फिर से घोंसला नहीं बन रहा। फिर गए चिड़िया के पास, चिड़िया चिड़िया प्लीज हेल्प कर दो, नहीं हो रहा। चिड़िया बोली अब नहीं आती। चिड़िया, उन्होंने कहा प्लीज प्लीज प्लीज, चिड़िया आ गई चिड़चिड़ाती हुई। चिड़िया और चिड़चिड़ी, चिड़चिड़ाती हुई चिड़िया आ गई। उसने फिर से उनके जो बना था फिर से ठीक किया और तिनके लाई, उनको सिखाने लगी। काफी बड़ा घोंसला बन गया, खाली ऊपर का हिस्सा भी बाकी था। फिर इन्होंने बोला अब तो हमें सारी समझ आ गई, अब चिड़िया रानी तुम जाओ। चिड़िया कहती यहाँ तो मेन चीज है कैसे सुरक्षा के लिए ऊपर से मोड़ना है, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। वो बोले नहीं नहीं हमने देख लिया, अब समझ आ गई, हम इतने बुद्धू नहीं है कि हमें आए ना। चिड़िया को गुस्सा तो बहुत आया, ना धन्यवाद ना कुछ, और ऐसे ही उड़ा दिया। चिड़िया चली गई। अब वो बना रहे हैं, ना उनको मोड़ना आ रहा है ना उनको टाइट से एंड करना आ रहा है, अब क्या करें। अब इन्होंने चिड़िया को तो बहुत बेरुखी से भेज दिया था, फिर भी मदद मांगी। चिड़िया ने कहा अब मैं और अपनी इंसल्ट कराने तो नहीं आऊंगी, तुम्हें जैसे बनाना बनाओ। तो दोस्तों वो तो बना नहीं पाए और आज तक कबूतर कबूतरी का भी घोंसला नहीं बना पाए। उनको घोंसला बनाना एक हिम्मत नहीं है सीखने की। तो दोस्तों यही हमारी भी कहानी है, यही संसार की विडंबना है। इंसान सोचता है उसको सब कुछ आता है लेकिन उसको बहुत कुछ नहीं आता। संसार में हर किसी को कुछ ना कुछ आता है और हर किसी को कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। लेकिन नाक बहुत ऊंची है, घमंड बहुत है, कहां से कोई सीखे। घमंडी इंसान तो सीख नहीं सकता, तो क्या कर दे, क्या करे। तो यही एक दो चीजें हमने सीखी कि अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं तो हमारा घमंड हमें दूर करना पड़ेगा, हमें किसी से कुछ सीखने के लिए सीखना पड़ेगा, अपने आप को नीचे होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, निरंतर सीखते रहिए। जिंदगी सक्सेस उसी में है, निरंतर सीख में। जो निरंतर सीखता है उसको सफलता जरूर मिलती है। आइए सफल होएं, सीख सीख के एंड तक सीखते चले जाएं। नमस्कार, जय हिंद।